फ्रीडम फाइटर्स. हाँ, फ्रीडम फाइटर्स मीन्स हमारा दंडी मार झांड रोल, राइट, इससे संबंधित है. चलो, हमने वो गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि कुछ महान कुछ विद्वानों के बारे में हमने देखा हमारा चैप्टर. तो हमारा ये चैप्टर हमारा फ्रीडम या स्वतंत्रता मिलने से पहले क्या क्या स्ट्रगल, क्या क्या संघर्ष उन्होंने सह लिया, उसके बारे में है, कुछ इंसिडेंट्स के बारे में. ठीक है, देखिए हमने देखा पेज नंबर 43 में सेकेंड पैराग्राफ, राइट, सेकेंड पैराग्राफ शुरू करना चाहिए. आई थिंक वन और टू लाइन भी फिनिश. एनीवे एक और बार देखिए, अब वो चैप्टर का क्या समरी है, आई मीन क्या थीम है, हर एक पेज में क्या कहता है लेकर, इसके बारे में मन में रखिए. देन मैंने कहा था ना हमारा एमसीक्यू पोर्शंस मैंने बताया था, राइट, हाउ मेनी चैप्टर्स आई टोल्ड, थ्री चैप्टर्स, फ्यूचर चैप्टर्स. तुम कब जाओगी, तुम कब जाओगी दीदी? हाँ, देन एक फूल की इच्छा, राइट, नजरन एक फूल की इच्छा. तो चेक करना चाहिए आपके पास नोट्स है, नहीं है तो मुझे पर्सनली इन्फॉर्म करना चाहिए. ओके, तो देखिए पेज नंबर 43 सेकंड पैरा. तो पटेल को गिरफ्तार कर दिया, पटेल को अरेस्ट कर दिया, तो इसके बारे में बहुत सारे रिएक्शन या प्रतिक्रिया हुई. तो देखिए वो देन हमारा गांधी जी और पटेल के एक स्मॉल मुलाकात, एक स्मॉल मीटिंग के बारे में भी कहता है. वो मीटिंग में वो हमारा गांधी जी से और वो आश्रम वासियों से पटेल ने क्या कहा, क्या कहा गांधी जी, मैं चलता हूँ, आपकी बारी है, आपकी बारी. यस, हमारा पटेल जी ने इस प्रकार कहा, मैं चलता हूँ, अब आपका आपकी बारी है. तो इस प्रकार कहकर वो नेक्स्ट पैराग्राफ को जाएंगे. पटेल की गिरफ्तारी पर देश भर में प्रतिक्रिया हुई. प्रतिक्रिया होने क्या है, क्या है वो अरेस्ट करने से बहुत सारे रिएक्शन आंदोलन हुई. दिल्ली में मदन मोहन मालवीय ने केंद्र असेंबली में एक प्रस्ताव पेश किया. प्रस्ताव मीन्स रेसोल्यूशन, प्रमेय मलयालम में, रेसोल्यूशन पेश किया या बताया, जिसमें बिना मुकदमा चलाए पटेल को जेल भेजने के सरकारी कदम की भर्त्सना की. एक बार देखना चाहिए बच्चों वो सेंटेंस, जिसमें बिना मुकदमा चलाए, क्या है वो मुकदमा, गिरफ्तारी से, पटेल की अरेस्ट और गिरफ्तारी से सभी लोगों की, सभी लोगों ने वो क्या है रिएक्ट किया, वो पटेल को अरेस्ट करने से सभी लोगों ने रिएक्ट किया, क्या है वो उसकी निंदा की, वो रिग्रेट किया. प्रस्ताव पारित नहीं हो सका, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड पारित. पारित मीन्स स्वीकार करना, स्वीकार पारित, स्वीकार करना, स्वीकार करना या पास, पास होना. हम असेंबली या कोई मीटिंग में एक न्यू रेसोल्यूशन पास होते हैं ना, वो पास. ओके, और स्वीकार करना हिंदी में मैंने लिखी, स्वीकार करना पारित. प्रस्ताव या रेसोल्यूशन पारित नहीं हो सका, तो वह न्यू रेसोल्यूशन एंड पास नहीं हो सका. इस प्रस्ताव पर कई नेताओं ने अपनी राय, अपना अपनी राय, राय प्लीज अंडरलाइन, अभिप्राय मीन्स अभिप्राय, ओपिनियन, अभिप्राय मत ओपिनियन, सदन में रखी. प्लीज अंडरलाइन द वर्ड सदन. सदन मीन्स द मीटिंग प्लेस, लोगों की सभा, दैट मीटिंग प्लेस है ना वहां. तो हमारा पटेल को अरेस्ट करने से क्या है सभी लोगों ने प्रतिक्रिया किया, सभी लोगों ने ये प्रस्ताव के बारे में अपने अपने विचार प्रकट किया, अपने ओपिनियन बताया. मोहम्मद अली जिन्ना एक पर्सन, एक व्यक्ति का नाम है मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा, क्या कहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गिरफ्तारी मीन्स पटेल की वो अरेस्ट। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला है, हमारे स्वतंत्रता हमारे फ्रीडम के लिए ये हमारा फाइटिंग है। तो हमारा फ्रीडम या इस प्रकार दंडी मार्च फ्रीडम के लिए बहुत सारे लोगों ने कठिन परिश्रम किया, बहुत सारे हार्डवर्क किया राइट। तो इसके लिए वो पटेल को अरेस्ट किया। तो ये क्या है, एक हमला है। हमला माने अच्छा। भारत सरकार की एजी नजीर, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड बच्चों, नजीर एग्जाम्पल या उदाहरण, नजीर उदाहरण मिसाल एग्जाम्पल एनी वर्ड यू कैन। भारत सरकार हमारा गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट की एक एजी नजीर पेश कर रहे हैं जिसके गंभीर परिणाम होंगे। तो हमारा भारत सरकार ने बहुत सारे क्या है, बहुत सारे उदाहरण बताती है जिसके लिए गंभीर परिणाम होंगे। परिणाम मीन्स एंड, उसका एंड भी एक क्या है, गंभीर या चीज है, इसमें कुछ नहीं है। ओके आफ्टर इफेक्ट परिणाम, आफ्टर इफेक्ट परिणाम। तो इस पैराग्राफ में क्या है, वो पैराग्राफ में क्या है आपके मन में देखिए, हमारा पूरा पैराग्राफ नहीं देखना चाहिए। वो पैराग्राफ में क्या है, पटेल को अरेस्ट करने से लोगों ने क्या किया, अपने रिएक्शन किया, प्रतिक्रिया हुई। पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट करने से सभी लोगों ने क्या है, वो उनका अपना अपना ओपिनियन बताया, अपना अपना राय बताया। ठीक है, वो है नेक्स्ट पैराग्राफ। गांधी के रास पहुंचने के समय वह कानून लागू था जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। गांधी के रास एक प्लेस का नाम है, रास पहुंचना मीन रीच, टू रीच। गांधी के रास पहुंचने के, रास इट्स ए प्लेस नेम, पहुंचना मीन्स रीच, रीच आर ई ए सी एच, रीच। तो गांधी जी रास पहुंच, रास नामक एक प्लेस में पहुंचने के समय वह कानून, कानून प्लीज अंडरलाइन द वर्ड कानून, नियम लॉ LAW नियम, लागू था, क्या है लागू होना, लागू हो गया, एप्लीकेबल हो गया, स्टार्ट हो गया, एप्लीकेबल यू राइट हियर, हमारा सेंटेंस में करेक्ट मीनिंग लिखना चाहिए। तो गांधी जी रास पहुंचने के वो समय एक लॉ, एक नियम लागू होता जिसके तहत, तहत प्लीज अंडरलाइन, अनुसार या अकॉर्डिंग, तहत अनुसार, अदरवाइज इंग्लिश में लिखे तो अकॉर्डिंग, ए सी सी ओ आर डी आई एन जी, अकॉर्डिंग टू द लॉ, जिसके तहत पटेल को गिरफ्तार किया गया। तो हमारा गांधी जी रास पहुंचने से वो समय हमारा पटेल को गिरफ्तार करने के लिए कोई स्पेशल नियम नहीं थे, लेकिन वो रास पहुंचने के वो समय पटेल को गिरफ्तार करने का वो नियम भी एप्लीकेबल हो गए। सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। तो सत्याग्रहियों माने क्या है, सत्याग्रहियों माने कौन है, जो लोग हमारा वो सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते हैं, जो लोग दंडी यात्रा या हमारा पटेल के साथ है, जो लोग हमारा गांधी जी के साथ है, स्वतंत्रता मिलने के लिए फाइट करने वाले वे लोग, वो है सत्याग्रही। ओके, सत्याग्रहियों ने अपनी ओर से, अपनी ओर से मीन्स फ्रॉम दर साइड अपनी ओर से तैयारी पूरी कर ली थी। मीन सत्याग्रहियों ने कुछ करने के लिए तैयार थे, तो उनकी तैयारियां पूरी कर। अब्बास साहिबाजी वहां पहुंच चुके थे, एक पर्सन का नाम है, वो पहुंच चुके थे। गांधी जी की गिरफ्तारी की स्थिति में खोज की अगुवाई में भी सबसे पहले पटेल को अरेस्ट किया, द सेकंड वन हु हमारा गांधी जी है,
ओके फर्स्ट सबसे पहले पटेल को अरेस्ट किया हमारा दंडी मार्च किया और नेतृत्व करने के नेक्स्ट हमारा गांधी जी को है अरेस्ट। तो देखिए गांधी की गिरफ्तारी की स्थिति में, गांधी की गिरफ्तारी माने गांधी जी की वो अरेस्ट, गिरफ्तारी माने अरेस्ट की स्थिति में, स्थिति माने अवस्था कंडीशन सिचुएशन में कुछ, प्लीज अंडरलाइन कुछ मार्च, मार्च मीन्स हमारा दंडी मार्च वो मार्च नॉट मंथ मार्च, कुछ की अगुवाई, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड अगुवाई, अगुवाई माने नेतृत्व या लीडरशिप, लीडरशिप या नेतृत्व, हिंदी में लिखने तो नेतृत्व लिखी, इंग्लिश में है तो लीडरशिप। तो सबसे पहले हमारे पटेल जी को अरेस्ट किया, देन द सेकंड चांस मे बी हमारे गांधी जी को भी दे विल अरेस्ट करेगा। तो स्थिति में कुछ की अगुवाई कर सके, तो इफ गांधी जी को अरेस्ट करने से हमारा दंडी मार्च को लीडरशिप देने के लिए कौन आ गया, अब्बास कैबजी नामक एक पर्सन वहां आ गए। बोर्स से निकलने के बाद they started the journey from Borsod. Borsod एक place का नाम है। लगभग सभी आश्वस्त थे, आश्वस्त माने आधे क्या है आश्वस्त। Borsod से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे, means आश्वस्त माने अबिलीफ या विश्वास रखे हुए या बिलीफ। बोर्स से निकलने विश्वास रखे हुए, वो इसका मीनिंग विश्वास रखे हुए। बोर्स से निकलने के बाद, वो बोर्स से निकलने के बाद सभी लोग उनके मन में एक विश्वास था, एक बिलीफ एक विश्वास था, क्या है अब गांधी जी को जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा। जलालपुर एक प्लेस का नाम है, तो मार्च है ना, एक मार्च है, तो बोर्सर से दे स्टार्टेड देयर मार्च। तो सभी लोगों के मन में एक प्रतीक्षा है, एक आशा है, एक विश्वास है, क्या है गांधी जी को नहीं पकड़ेगा। टिल वहां कहां रीचने पर, जलालपुर पहुंचने तक, क्या है इसका मीन, जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा गांधी जी को, क्या है साइंस का मीनिंग। Until they reach Jalalpur. Till they reach Jalalpur, Gandhi ji not be arrested. Yes, Gandhi ji not get arrested. So देखिए हमारा वो मार्च, दंडी मार्च कहाँ से शुरू करना चाहिए, बोरसल से निकलने के बाद लगभग सभी आश्वस्त थे, सभी लोगों के मन में एक विश्वास थे, हाँ हमारे गांधी जी को अरेस्ट नहीं करेगा, till जलालपुर पहुंचने तक नहीं पकड़ा जाएगा, पकड़ा मैंने चुके आज टू अरेस्ट। लेकिन तैयारी में कोई कमी नहीं थी, तैयारी माने प्रिपरेशन, उनका वो ऑलरेडी प्रिपेयर कुछ समथिंग, वो इसमें कोई कमी, कमी माने कोई लस, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी। जैसे रास में गांधी का, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, रास एक प्लेस का नाम है, रास में गांधी का भव्य स्वागत हुआ, भव्य माने फैबुलस सुपर स्वागत हुआ। तो रास में गांधी जी को अच्छी तरह वेलकम किया उन्होंने, लोगों ने रास में गांधी जी का भव्य स्वागत हुआ, मीन्स भव्य माने फैबुलस सुपर अच्छी तरह वेलकम किया, स्वागत हुआ मीन्स वेलकम। दरबार समुदाय के लोग, दरबार एक तरह का कम्युनिटी है, दरबार लोग, दरबारी, दरबार लोग, वन ग्रुप ऑफ कम्युनिटी। दरबार समुदाय, समुदाय माने कम्युनिटी, दरबार समुदाय के लोग इसमें सबसे आगे थे, सबसे आगे माने सबसे आगे, they were first, they were first,
दरबार प्लीज अंडरलाइन द नेम्स दरबार गोपाल दास मैंने कहा था दरबार मीन्स इट्स अ कम्युनिटी दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज वहां मौजूद दे मौजूद माने प्रेजेंट प्रेजेंट पी आर ई एस पी एन टी प्रेजेंट तो वहां गांधी जी को वेलकम करने के लिए कौन कौन मौजूद दे दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज कहां कहां दे उन वे लोग रास में रास में हमारा गांधी जी को अच्छी तरह वेलकम किया वो किस समुदाय के लोग दे मेजोरिटी दरबार दरबार समुदाय के लोग दे वो दरबार समुदाय के कुछ दो कुछ विशेष व्यक्तियों ने व्यक्तियों का प्रेजेंस भी बताते हैं वो कौन कौन है दरबार गोपाल दास और रविशंकर महाराज मन में रखिए बच्चों गांधी ने अपने भाषण में दरबारों का खास तौर पर मीन स्पेशली स्पेशली समथिंग स्पेशली भाषण माने स्पीच स्पीच एक्चुअली हमारा गांधी जी है तो पटेल है तो इस प्रकार स्वतंत्रता सेनानी मीन्स फ्रीडम फाइटर्स हमेशा वो भाषण देते हैं स्पीच देते क्यों बच्चों क्यों वे हमेशा स्पीच देते हैं हम साधारण लोगों से या ऑर्डिनरी पीपल से वो हमेशा भाषण देते हैं स्पीच देते हैं व्हाई व्हाई दे आर डूइंग लाइक दैट क्योंकि क्योंकि उसके मन में बहुत सारे थिंग्स रहे राइट कन्वे करने के लिए वो दूसरों को क्या है वो साधारण जनता को जागरूक बनना चाहिए मीन्स अवेयरनेस देना चाहिए कुछ अवेयर करना चाहिए साधारण लोगों को इसलिए हमारा फ्रीडम फाइटर्स इस प्रकार के लोग हमेशा भाषण देते हैं स्पीच तो ये स्पीच चैनल सुनकर साधारण लोगों को बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलता है ओके तो देखिए गांधी ने अपने भाषण में दरबारों को दरबार का लोगों को खास तौर पर स्पेशली उल्लेख किया उल्लेख माने इंक्लूड इंक्लूड किया तो वह स्पीच करते समय दरबारी लोगों के बारे में बताया कुछ दरबार रास में रहते हैं कुछ दरबार लोग रास नामक प्लेस में रहते हैं दे आर लिविंग इन रास पर उनकी मुख्य बस्ती देयर मेन एरिया देयर मेन कॉलोनी कहाँ है प्लीज अंडरलाइन बच्चों कनकापुरा कनकापुरा और उससे सटेगा नियर टू दैट विलेज क्लोज नियर सटे मीन्स क्लोज या नियर दे गांव देवन में है देवन नेम ऑफ वन विलेज नेम ऑफ वन विलेज देवन नेम ऑफ वन विलेज एक और बार देखिए कुछ दरबार रास में रहते कुछ दरबार लोग दरबार पीपल वो रास में रहते हैं अदर्स दे आर लिविंग इन कनकापुर एक मुख्य बस्ती बस्ती मीन्स इट्स अ कॉलोनी एक कॉलोनी एरिया बस्ती मुख्य बस्ती मीन्स मेन बस्ती ओके कनकापुरा और उससे सटेगा वेरी नियर टू दैट विलेज एक विलेज है कनकापुर से वेरी नियर टू देवन नामक एक विलेज है वहां रहते हैं दरबार लोग मूवी टू नेक्स्ट पेज बच्चों दरबार लोग रियासतदार होते थे प्लीज अंडरलाइन बच्चों रियासतदार अब वहां मीनिंग लिखिए इलाके का मालिक इलाके इलाके का मालिक नाउ यू से द मीनिंग हु इज दैट रियासतदार माने लैंड ओनर्स लाइक ओनर्स है वो मालिक है ओनर्स है वो क्या है लैंड ओनर्स के समान वो ओनर्स है रियासतदार है कौन दरबार लोग उनकी साहबी भी साहबी माने लोडिनस या क्या है चासा होने का सुख मीन्स वो हमेशा क्या है साहबी माने एक लोडिनस इंग्लिश में एल ओ आर डी आई एन ई डबल एन एस डबल सॉरी एन ई डबल एस Loading means
हिंदी में कहे तो शासक होने का सुख, मीन्स रस रूलर होने से हमारे मन में एक हैप्पी है, एक सुख है, वो सुख वो है साहबी, साहबी। तो वो उनकी साहबी दी एशो आराम। प्लीज अंडरलाइन बच्चों। और ऐशो आराम इसका मीनिंग है लक्जरी लाइफ। ऐशो आराम मीन्स लक्जरी लाइफ, लक्जरी आराम की जिंदगी दी। उनका लाइफ बहुत लक्जरी दी, लक्जरी लाइफ, लक्जरी लाइफ दी। ओके, इससे पहले नॉट नाउ इट्स पास्ट। एक तरह का राजपाट था, मीन्स एक तरह के राजा के जमाने, सभी लोग एक राजा, राजपाट मीन्स एक लाइक ए किंग दे आर लिविंग। दरबार सब कुछ छोड़कर, प्लीज अंडरलाइन बच्चों, दरबार सब कुछ छोड़कर, एवरीथिंग छोड़कर, छोड़कर माने मलयालम या उपेक्षा या उपेक्षित, मलयालम में कहे तो उपेक्षित हुआ। ये सब कुछ छोड़कर यहां आकर बस गए। तो दरबारी लोगों का क्या स्पेशलिटी है? दरबारी लोग वे बहुत रिच है, एक राजा के जमान है, लक्जरी लाइफ है। ये सब कुछ छोड़कर यहां आकर बस गए, ये रास में आकर बसते हैं, कॉलोनी में। मैंने गांधी ने कहा, प्लीज अंडरलाइन, गांधी जी ने कहा इनको देखकर, गांधी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखे। यू शुड स्टडी समथिंग फ्रॉम हिम, सम नॉट समथिंग, त्याग और हिम्मत। त्याग माने सैक्रिफाइस, हिम्मत माने करेज। You should learn courage and sacrifice from them. Means हमारा दरबारी लोगों से त्याग और हिम्मत का पाठ लर्न करना चाहिए। त्याग या sacrifice और courage का lesson या वो learn करना चाहिए। Because they are very rich landowners है, बहुत सारे इलाका है, then साहबी life है, luxury life भी, लेकिन सब कुछ छोड़कर एक कॉलोनी में रहते हैं। गांधी जी ने कहा इनसे आप त्याग और हिम्मत सीखना चाहिए। वो इन लोगों को देखकर बताए। वही जो नेक्स्ट पैराग्राफ बच्चों वो अंडरलाइन करना चाहिए, गांधी जी का डायलॉग अंडरलाइन करना चाहिए। ठीक है, ओनली इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके मन में रखिए, बाकी वो छोड़ करो, नो प्रॉब्लम। वही जो नेक्स्ट पैराग्राफ, अखिल भारतीय, can you send the PDF of this chapter? Ah, sure, Aisha, I will send it. I couldn't find it. I will send it better. Can you give a reminder? Otherwise, I will forget. I'll send a hi in your... Okay. Evening enough better. Otherwise, I will forget. Because I have class. Okay. Akhil Bharatiya Congress Committee. Please underline, bachu. Akhil Bharatiya Congress Committee means All India Congress Committee. All India Congress Committee. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी माने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। बैठक, बैठक माने मीटिंग, मीटिंग MEETING मीटिंग। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मीटिंग, कमेटी की बैठक, बैठक माने मीटिंग। 21 मार्च को, 21 मार्च को साबरमती के तट पर, मीन्स साबरमती को उसके नियर टू साबरमती, मीन्स साबरमती, साबरमती आश्रम के तट पर होने वाली थी। हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मीटिंग 21 मार्च साबरमती में होने वाली थी। जवाहरलाल तट मीन्स वहां जस्ट किनारे, नियर, नियर टू साबरमती आश्रम। ओके, जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से, बैठक माने मैंने कहा था मीटिंग, जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले, प्लीज अंडरलाइन बच्चो, जवाहरलाल नेहरू, हमारा जवाहरलाल नेहरू इस बैठक से पहले, बिफोर दिस मीटिंग, गांधी जी से मिलना चाहते थे। मिलना माने गांधी जी से कुछ बातें करना, उन्हें मीट करना चाहते थे। मीटिंग से पहले, ये कांग्रेस मीटिंग के पहले उन्होंने संदेश भिजवाया।
he sent one message. बिछुआ या जिसके जवाब, जवाब माने इसका आंसर, इसका उत्तर लेटर, जवाब. गांधी ने रास में अपनी जनसभा से पहले एक पत्र लिखा और कहा उन तक पहुंचना कठिन है. तो क्या है, हमारा गांधी जी ने कहा वहां तक पहुंचना, वो मीट करना कुछ कठिन है, इस तरह पता है. तुमको पूरी एक रात का जागरण, तो इसमें कुछ नहीं है, आपके मन में एक पॉइंट मन में रखिए. हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का मीटिंग कब हुआ और जवाहरलाल नेहरू हमारे गांधी जी को मिलना चाहता था, ओके, ये आपके मन में रखिए. देन मिलने के लिए हमारा गांधी, जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर सेंड किया, लेकिन हमारा गांधी जी रिप्लाई के रूप में क्या है, वहां जनसभा से पहले वहां आना डिफिकल्ट है, इस प्रकार बता. नेक्स्ट पैराग्राफ. तुमको पूरी रात का जागरण, जागरण मींस अवेकनिंग, मींस क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है, वन मोर वर्ड फॉर दैट, जागरण. इट्स अ मलयालम वर्ड, जागर उगराकुग, क्या है इसका मीनिंग. अवेकनिंग इज वन वर्ड, AWAKEING, KENING. Then, any one more word for that? Jagaran, jagana. No. Okay, when awakening, you write. Okay. Tumko puri raat, puri raat means ek full day, ek full night. जागरण करना पड़ेगा. जागरण करना मीन्स क्या है, वो अवेक करना चाहिए. अगर कल रात से पहले वापस लौटना चाहते हैं तो इससे बचा भी नहीं जा सकता. ओके, नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू विद इट फ्रॉम हियर, ऑलमोस्ट 40, राइट. तो एक बात करना चाहिए बच्चों, हमारा 1.5 पेज एक बार रीड करके आइए. ओके ओके, मैंने कहा था ना हमारे पोर्शन में, एमसीक्यू पोर्शन में इसका रिवीजन टाइम एग्जाम विल बी देयर, रिटन एग्जाम ओनली. ओके, नॉट गूगल फॉर्म्स एंड ऑल. गूगल फॉर्म्स आई विल गिवन 10 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, आई विल एज ए एग्जांपल, इट्स एज ए मॉडल, यू ऑलरेडी फेमिलियर विद इट, राइट. क्वेश्चन इज द ऑप्शंस, एवरीथिंग विल बी इजी. लेकिन मैंने कहा था ना Written is very very important. Written, I mean, writing part. Question, the answer for. Ma'am, for us in December exam is there. December exam will be. December is the exam MCQ. December's exam, I'm telling this MCQ. Only MCQ. When? Google forms. When 18th or something starting. Okay. Mama, out of all the subjects. Out of 20, all the subjects out of 20. 20 minutes, 25 minutes, 20 questions, 1 mark each, 20 marks. MCQ, Google Forms. Okay, so prepare for that. For us, a full ki cha, Hamid Gha, and Tum Kab Jao Gya. Chapter wise karna chahi, achi tarah question answer padna chahi. टेक्स्टबुक भी रीड करना चाहिए, कविता आंदोलन अच्छी तरह रीड करना चाहिए. ओके, अदरवाइज नेक्स्ट एग्जाम 18th इट विल स्टार्ट फॉर यू, 9th आंदोलन फ्रॉम 18th ओनली. ओके, सो टाइम टेबल यू विल गेट मे बी नेक्स्ट वीक आंदोलन यू विल गेट. ओके, सो बिफोर दैट दिस इज द हिंदी पोर्शन, नो चेंज, मन में रखिए. ओके, कोई डाउट है तो पूछना चाहिए, हमारा चैप्टर से संबंधित कोई डाउट है तो पूछना चाहिए, और यू कैन सेंड अ मैसेज. मैंने कहा था ना रिविजन के समय आई विल टेक टेस्ट, नॉट इट्स नॉट एमसीक्यू, इट्स रिटन टेस्ट. ओके, बिकॉज एमसीक्यू अंडर यू कैन इजीली यू विल डू इट, बट रिटन पार्ट इज प्रगा नहीं है. राइटिंग, हिंदी अंडर राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू कांट इम्प्रूव योर वोकैबुलरी इन हिंदी. हिंदी वर्ड्स अंडर वेरी डिफिकल्ट, राइट, फॉर राइटिंग के लिए. ओके, सो सी ऑल नेक्स्ट क्लास, वी विल मीट यू, ऑलमोस्ट टाइम ऑफ. Okay, Isha, please remind me, okay? Otherwise, I will forget. Okay, see you all. Bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Dhanyavaad. Dhanyavaad all.